है ना, और एट द रेट का साइन है ना, घोंगा वाला, हम लोग घोंगा बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो वही है दोस्तों किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? किशोरावस्था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, गुड मॉर्निंग, तो आप सबका स्वागत है। ये वीडियो केवल उसी के लिए है जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 151 तक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद है ना, 151 के बाद जितने भी प्रश्न है 200 तक है, बाल मनोविज्ञान का देखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों हाथ से लिखा हुआ है, और ये मेरे दोस्त जो है ना पवन वर्मा जी का जो है ये हाथ से लिखा हुआ जितने भी प्रश्न है ये सब है। और यहाँ पर मैं उनका दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप जाकर है ना ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल, और इसका जो PDF है आप उनसे कॉन्टेक्ट करके मांग सकते हो। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों देखिए है ना, आंसर तो लगा हुआ है ना, मैं सिर्फ पढ़ूंगा और हो सके जिस प्रश्न का मुझे डील करते बनेगा मैं उस प्रश्न का डील करूंगा, ठीक है। तो केवल वही देखे दोस्तों जिसको जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी प्रश्न है, 200 प्रश्न है दोस्तों, 200 प्रश्न मायने रखता है, ठीक है। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, यही है। देखिए कंप्यूटर है ना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, यहाँ पर नहीं करता है बोल रहा है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता, बाकी इनपुट का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ठीक है, कंट्रोल, तो ये सब कौन करता है? कंप्यूटर करता है, ठीक है, कंप्यूटर का CPU करता है। ओके, याद रखना है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित है ना करता है, तो है ना किसको परिवर्तित करता है दोस्तों, तो डाटा को परिवर्तित करता है, जो हम लोग सूचना डालते हैं CPU में कंप्यूटर में है ना, वो डाटा के रूप में होता है, ठीक है, उसको ही क्या करता है, इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है, सूचना के रूप में, है ना, हम लोग पूर्व में भी देखे थे, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप है ना बनी होती है, तो किससे बनी होती है दोस्तों, यहां पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है, तो यही है ना, आंसर तो लगा हुआ है, तो सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से बना होता है। ओके, याद रखिएगा सिलिकॉन, ठीक है। चलिए देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो क्या होता है ना, डिजिटल संकेत, वही डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, तो वही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों याद रखना है दोस्तों, ठीक है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। ओके, चलिए देखिए माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था तो किसने किया था, है ना, तो वही है इंटेल, ठीक है, इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दो कंपनी है दोस्तों, याद रखना है, एक इंटेल और एक AMD, ठीक है, याद रखना है AMD और इंटेल, तो जनरली जो चलता है दोस्तों वो इंटेल का ही चलता है, याद रखिएगा। ओके, और देखिए अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में है ना प्रयोग किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, यहां पर एक मिनट दोस्त, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा तो क्या प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, देखिए है ना, तो AI बहुत चल रहा है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, AI, ओके, तो याद रखिएगा AI। चलिए देखिए भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो किस संस्था ने किया दोस्तों, देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है ना, तो यही है CDEC है ना, जो कि पुणे में है। ओके, CDEC याद रखना है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए है ना उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो वाणिज्यिक UNIVAC, ठीक है, याद रखना है UNIVAC। ओके, चलिए देखिए CPU का मुख्य घटक है तो क्या है ना, कंट्रोल यूनिट, ALU, प्राइमरी मेमोरी, तो उपरोक्त सभी है ना, तो देखिए अगर आप लोग को बोर लग रहा होगा दोस्तों तो छोड़ दीजिएगा है ना प्लीज, है ना, केवल उनके लिए है जो गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर है ना ये क्वेश्चन में आंसर लगा हुआ है, दुर्भाग्यवश नहीं लगा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी देखिए जिसको जरूरत है, ठीक है। चलिए देखिए उपयोग तो सभी है, CPU का जो है मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट है ना, याद रखना ALU, प्राइमरी मेमोरी है ना, उपरोक्त सभी है। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल है ना बदलते हुए प्रोसेस करता है ना, तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो तो प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है, तो प्रोसेसर याद रखना दोस्तों, ठीक है, प्रोसेसर जैसे आपका छोटा सा चिप होता है सिलिकॉन का है ना, जैसे प्रोसेसर गति के हिसाब से है ना, प्रोसेसर Core i2 है ना, Core 2 Duo, डुअल कोर, Core i7, Core i5, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोसेसर है। ओके, चलिए
देखिए मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, तो सिस्टम बस याद रखना, सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। रोम को कहते हैं, तो रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ओके याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मुख्य पटल क्या कहलाता है दोस्तों, मदरबोर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंट सर्किट बोर्ड, ओके मदरबोर्ड को, उसी से पूरा जो है ना, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है सभी उनसे जुड़ा रहता है मदरबोर्ड से, याद रखिएगा है ना, कैश के अंदर होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ठीक है, मदरबोर्ड में ही आपका क्या लगा रहता है, सीपीयू लगा रहता है, सीपीयू फैन लगा रहता है, रैम लगा होता है, ठीक है, तो ये सब है, इसको याद रखना है। देखिए पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है दोस्तों, आईबीएम को, ठीक है आईबीएम को, ओके चलिए देखिएगा। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, वही है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है, आप लोग कंप्यूटर चलाए होंगे, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है याद रखिएगा। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता, किसे नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, लेकिन ये है ना यूएसबी पोर्ट से इसको भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, अगर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रहता है उसको भी यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, ओके आप लोग देखे होंगे है ना, चलिए तो इसको देख लीजिएगा। देखिए कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, MIPS, ध्यान दीजिएगा MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो स्लॉट्स है ना, जितने भी स्लॉट्स होते हैं वही तो जुड़ा होता है, ठीक है अन्य डिवाइसों से, ओके तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखिएगा है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो ब्लिंक करते रहते हैं ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना कर्सर, देखेंगे कुछ इस प्रकार के होता है कर्सर, ओके ठीक है, ये एक ठो कर्सर रहता है ना, देखेंगे वर्ड में, ओके चलिए। देखिए डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर का, ठीक है जनरली लेजर प्रिंटर का, सब जगह देखे होंगे आप लोग, ठीक है लेजर प्रिंटर लगा रहता है, ओके। देखिए इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट है ना, माउस इनपुट है, बारकोड इनपुट है, कार्ड रीडर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिएगा 22वां प्रश्न देखिएगा, देखिए इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो कौन सा है ना पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ना वही डी, स्कैनर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशीय पेन, हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रकाशीय पेन है, ठीक है, और स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, याद रखना है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैन करके डालते हैं ना कंप्यूटर में, ठीक है। देखिए बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो माइकर का उपयोग किया जाता है, ठीक है याद रखिएगा माइकर का। मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, तो डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, तो उपरोक्त सभी है दोस्तों याद रखना है, ठीक है कंप्यूटर की जो गुणवत्ता की पहचान है तीनों से की जाती है, डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, है ना याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी से तीन होती है, RGB याद रखना है, रेड ग्रीन ब्लू, ओके चलिए। देखिए लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, तो लेजर प्रिंटर में सभी प्रयोग होता है, लेजर बीम का प्रयोग होता है दोस्तों, प्रकाशीय ड्रम का उपयोग होता है, अवशेषी स्याही टोनर का उपयोग होता है, जिसमें काला है ना स्याही डाला जाता है, ओके याद रखिएगा, मार्केट में मिलता है 90 या 80 रुपए में, ठीक है डब्बा, ओके। देखिए दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, तो देख लीजिएगा मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है ये क्या है मॉनिटर और प्रिंटर, ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, याद रखना है। कीबोर्ड और माउस ये इनपुट डिवाइस है, सीडी और फ्लॉपी, ठीक है सीडी और फ्लॉपी क्या है देख लीजिएगा, स्कैनर व प्रिंटर है ना, तो स्कैनर तो आपका क्या है इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ओके याद रखिएगा है ना। चलिए देखिए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो प्रिंटर द्वारा,
फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा, सीडी द्वारा। तो भैया डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंटर के द्वारा है ना तैयार की जाती है, हार्ड कॉपी, याद रखिएगा, नॉइस के लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा प्रदान की जाती है। एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो डिजिटल रूप में होता है, हार्ड कॉपी जो पेपर है ना पेपर में रहता है, ठीक है। देखिये स्कैनर स्कैन करता है, तो क्या स्कैन करता है दोस्तों, देखिए दोनों करता है, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों करता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बार कोड कहते हैं, ठीक है, बार कोड। देखिये निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है, सेमी कंडक्टर लेजर। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में याद रखने GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ना प्रयोग लाई जाती है, तो क्या प्रयोग लाई जाती है GUI में, तो माउस, ठीक है, माउस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फुल फॉर्म याद रखना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मॉनिटर, देखिए कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो कौन सा, देखिए कंप्यूटर मॉनिटर के जो है डिस्प्ले का आकार मापा जाता है डायगोनली, ठीक है, याद रखना है डायगोनली, देख लीजिएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों ही है ऐसा पूछा गया है, तो मॉडेम जो है आउटपुट भी है और इनपुट भी है, ओके। चलिए देखिए इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है, पॉइंटिंग और ड्रा दोनों कर सकता है, तो माउस, ठीक है, ड्रैग कर सकते हैं ना, है ना, तो ड्रैग और पॉइंटिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, माउस है, ओके। चलिए देखिए कंप्यूटर में मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, है ना, तो यही है सर्वर, ठीक है, सर्वर जो है ये मेमोरी का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, देखिए पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ना, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ओके। चलिए देखिए जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है, तो रैम में, ठीक है, अस्थायी रैम में सेव किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब उसको सेव करते हैं, सेव एस बटन दबाते हैं, तो वो मेमोरी में जाके, हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है, ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए देखेंगे, देखिए कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन है, पहले से लगा रहता है, तो रोम पहले से लगा रहता है दोस्तों, बाकी हार्ड डिस्क को हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जीबी बढ़ा सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रोम जो है पहले से इनबिल्ट रहता है, ठीक है, याद रखना है इसको। देखो सीडी पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ना और लिखना, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, तो रजिस्टर, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये होता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो है ना, तो सॉफ्टवेयर कौन सा शब्द जो है संसाधन, तो आपका पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार है ना, एमएस वर्ड, उपरोक्त सभी है, ठीक है, याद रखना है, वर्ड के लिए पूछा गया है, ओके। देखिए कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो बग कहा जाता है, बोलते हैं ना बग आ गया भाई बग, ओके, तो याद रखिएगा। चलिए सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पैच कहलाता है, ठीक है, पैच, पीजीडी से हमें पढ़ते हैं ना। चलिए अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को है ना क्या करना है या बताता है, तो प्रोग्राम, ठीक है, क्या कहलाता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम है ना के एक साथ प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया कहलाती है, दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोग्रामिंग की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग, याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग। देखिए ग्रुप वेयर होता है, तो ग्रुप वेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर होता है, ओके। चलिए सी भाषा है, तो सी भाषा क्या है, तो सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट है ना सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, याद रखना है दोस्तों, स्प्रेडशीट एक्सेल वाला, ओके, तो सांख्यिकी के लिए होता है दोस्तों, जिसमें संख्या का ज्यादा काम होता है उसमें क्या होता है, एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, स्प्रेडशीट का प्रयोग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना, उपयोग किया जाता है।
एक समय में एक कथन को है ना कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो इंटरप्रेटर, याद रखना है इंटरप्रेटर। ओके चलिए देखिए, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ठीक है, मैं है ना लास्ट में दे दूंगा है ना लिंक जो है लाइनक्स, जितने भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है ये सबका लिस्ट जो है मैं लास्ट में दे दूंगा, या फिर उनका जो है वीडियो भी दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ओके चलिए देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है तो मशीनी भाषा कहलाता है। ठीक है, याद रखना है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए है। देखिए, कौन सी एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है, तो अपनी जो है वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है वेब होस्टिंग। ठीक है, क्या कहलाता है वेब होस्टिंग। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो आईबीएम कंपनी है दोस्तों, बाकी सभी जो है कंप्यूटर भाषा है, आईबीएम क्या है कंपनी है। ठीक है, देखिए फोरट्रॉन भाषा प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो गणित के लिए प्रयोग किया जाता है ना, गणितीय संबंधी है ना क्रियान्वयन के लिए फोरट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो व्यवसाय के लिए बिजनेस के लिए कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। ओके, माफ करिएगा गाड़ी के साउंड के लिए। देखिए अगला प्रश्न ये है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, याद रखिएगा ए और बी दोनों। देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, जावा है। ओके, याद रखना है जावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो किसका है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, याद रखना है। ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, जो कि डीबीएमएस में पढ़ते हैं ना। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, डीबीएमएस। ठीक, क्या ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है। ठीक है, रिडेंसी। ठीक है, याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कहलाता है वेन। ओके, याद रखना इंटरनेट के लिए वेन। ठीक है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। लॉग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो वेन को ही कहा जाता है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जुड़ती है, तो मॉडेम जुड़ती है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो नेटवर्क में। ठीक है, वाई याद रखना है, देखिए वाई मैक्स संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संचार प्रौद्योगिकी से। ओके, देखिए वेब है ना बैकबोन है, बैकबोन संबंधित है, तो इंटरनेट से। ठीक है, सी बैंड प्रेशर में प्रयोग की आवश्यकता होती है, याद रखना है 6 GHz। ओके चलिए, प्रश्न अगर समझ में नहीं आएगा, डाउट रहेगा दोस्तों, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम लोग प्रयास करेंगे आप लोग का जो है डाउट क्लियर करने का। ठीक है, यहाँ पर पवन जी का नंबर दे दूंगा मैं है ना, बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, तो रिपीटर का उपयोग करते हैं, देखिएगा। ओके, देखिए 5G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखना है 5G 2G 3G। ओके, याद रखना है जनरेशन। देखिए, डाटा प्रेशर की गति को मापने के लिए सामान्यता प्रयुक्त की जाती है, तो बीट प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, बीट प्रति सेकेंड। देखिए, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो गेटवे। ओके, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है। ठीक है, देखिए, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है, तो इंटरनेट का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना है इंटरनेट। देखिए, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क नाम क्या है उसका, तो कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखिए इथरनेट है, तो इथरनेट क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। WWW है ना, WWW के आविष्कार एवं प्रवर्तक है, तो टिम बर्नर्स-ली। ओके, याद रखिएगा। याहू गूगल एमएसएन है, तो क्या है दोस्तों, तो याहू गूगल एमएसएन क्या है, एक ये आपका ए और बी दोनों इंटरनेट साइट है, सर्च इंजन है, दोनों बोलते हैं। ठीक है, गूगल तो सर्च इंजन है, आपको पता ही है। ओके,
वेबसाइट है, वेबसाइट भी है याद रखना, इंटरनेट साइट है, उसी में जाके हम लोग सर्च इंजन करते हैं ना, सर्च करते हैं ना, तो ये भी दोनों है, ठीक है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं। ओके, याद रखना क्या, होम पेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अनसूचित करता है, क्या .com क्या सूचित करता है, कॉमर्शियल को सूचित करता है, और इन किसको सूचित करता है, तो इन इंडिया है ना। .org क्या सूचित करता है, ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सब आपको रखना है याद, .in ठीक है इंडिया, ठीक है .com कॉमर्शियल, ठीक है .org ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये है। देखिए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो साइंस डायरेक्ट ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी ऑर्कुट है ना, अल्टाविस्टा, गूगल, ये सर्च इंजन है, ठीक है। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में, फर्स्ट बार है ना अमेरिका में आया वेब अस्तित्व में। ओके, सूचना राजपथ है ना, इंफॉर्मेशन है ना हाईवे किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है, याद रखना है, हम लोग पूर्व में भी देखे थे। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो TCP/IP, ठीक है, याद रखिएगा। ये जितने भी है दोस्तों सब कंप्यूटर से संबंधित सामान्य प्रश्न है, आपको बनना चाहिए, ठीक है। देखिए, हॉस्टल वार्डन का पेपर में दोस्तों कंप्यूटर में आपको पास होना बहुत जरूरी है। ओके, याद रखिएगा, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानना है, तो URL के द्वारा पहचाना जाता है। ओके, देखिए, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, URL HTTP ये दिया है ना, www. में HTTP होता है, तो क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलिए देखो, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है ना, कहां पर मिलती है, जितना भी हम लोग सर्च किए रहते हैं देखे है ना, वो कहां पर मिल जाते हैं, कौन, तो यहां पर हिस्ट्री लिस्ट में, ठीक है, जाते हैं ना यहां पर, ठीक है, ब्राउजर में जाके हिस्ट्री लिस्ट से देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंटरनेट पर सर्वर से आने वाले कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, तो ट्रांसफरिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग। चलिए देखिए, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन का प्रयोग किया जाता है, तो रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है, तो रिलोड ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, तो विंट सर्फ को। देखिए, DuckDuckGo है एक, क्या है, एक सर्च इंजन है DuckDuckGo। ओके, कौन सा जो है ना, कौन सा सामान्य रूप से आवंटित जंक ईमेल का वर्णन करता है, तो स्पैम है ना, तो ईमेल में देखेंगे ना स्पैम, ये जंक ईमेल को है ना दिखाता है, ठीक है। चलिए, खोज क्षमता ईमेल समाचार मौसम खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है, तो पोर्टल, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर है ना सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस भी क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है ना। देखिए, फायरवॉल का मुख्य काम है, तो मॉनिटरिंग, देखते रहता है ये, ठीक है, कौन कौन क्या क्या भेज रहा है। ओके, चलिए, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तरीके है ना तारीख से चलते हैं कहलाते हैं, मतलब ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वह क्या कहलाते हैं, टाइम बॉम्ब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये वाला, ओके, याद रखना, टाइम बॉम्ब मतलब वो उसी तारीख को ही चलेगा, ठीक है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को ही चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस वायरस को टाइम बॉम्ब वायरस कहते हैं। ओके, देखिए, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो बूट सेक्टर वायरस, तो यही बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, कंप्यूटर को बार बार है ना बूट करने में, बार बार चालू करने में, रीस्टार्ट करने में यही वायरस सहायक होता है, बूट सेक्टर वायरस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यता बिना प्रभार के मिलने वाले सॉफ्टवेयर है, तो पैच, ठीक है, याद रखिएगा, पैच। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, एक निश्चित पते पर किसी है ना एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, तो ईमेल स्पैमिंग,
ठीक है, ईमेल स्पैमिंग, ठीक है, याद रखना है। देखिए वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है तो पासवर्ड, है ना। तो पासवर्ड के द्वारा दोस्तों हम लोग किसी भी, है ना, प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, लगा सकते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है इसमें क्या है, वायरस है। ओके, क्या है, वायरस है, बूट सेक्टर वायरस। देखिए देखिए वन्ना, है ना, वन्ना क्राई पेटया इटर्नल लल्लू संबंधित है तो साइबर, है ना, साइबर आक्रमण से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है तो एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है, इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए, ठीक है, जो वायरस से ग्रस्त हो गए हैं उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, या वायरस से बचाने के लिए भी। ओके, वीडियो मैसेज, है ना, निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है, तो कितने दिन रहता है, 30 दिन तक, ठीक है, याद रखना है। देखिए ईमेल का फुल फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखना है। और ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब लॉग, ठीक है, याद रखना है, वेब लॉग। सीसी क्या है, तो सीसी क्या है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने की कॉपी भेजना, ठीक है, याद रखना है। सीसी क्या है, ईमेल भेजते तो उसमें सीसी लिखा रहता है ना, ठीक है, तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना सीसी है। ओके, देखिए कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, तो हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू, सभी दोस्तों निःशुल्क ईमेल प्रदाता कंपनी है, ठीक है, या साइट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए यह है अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है, तो है ना, क्या, फ्रॉम तथा डेट, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है तो ई कॉमर्स के जरिए, ओके, याद रखिएगा। देखिए निम्न में से कौन सा ईमेल, है ना, ईमेल पता का भाग नहीं है, तो स्पेस, है ना, ईमेल में स्पेस नहीं रहता, याद रखना है, ठीक है, ये पीरियड डॉट लगा रहता है, याद रखना है, है ना, और एट द रेट का साइन, है ना, घोंगा वाला, हम लोग घोंगा बोलते हैं ऐसे, ठीक है, और आपका अंडरस्कोर भी रहता है, ठीक है, तो ये सब रखना है याद। देखिए क्लासरूम ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके हैं तो ई लर्निंग, उसको क्या बोलते हैं, ई लर्निंग, ठीक है। चलिए ई व्यापार का अर्थ है दोस्तों, तो इंटरनेट पर व्यापार। चलिए और ऐसे जगह बैठा हूँ जहाँ बार बार, है ना, माया हावी है, और यही घर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि आवाज़ आता है, सिर्फ रात को बनता है, दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिएगा, है ना, 116वां प्रश्न, ईमेल का जन्मदाता, है ना, जन्मदाता माना जाता है आर टॉमलिंसन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल भेजना समान है तो किसके समान है, तो पत्र लिखने के समान है, याद रखना है। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं, तो ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, उपरोक्त सभी है, ठीक है, याद रखिएगा। किन फाइलों का जो है एक्सटेंशन नाम डॉट एमपीजी होता है, तो याद रखना है, एमपीजी, है ना, MP4, तो ये वीडियो का, ठीक है, याद रखना है, है ना। और जेपीजी किसका होता है, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, ठीक है, याद रखना है, ये इमेज का होता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, देखिए कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है तो मल्टीमीडिया कहलाता है ना, याद रखना है, मल्टीमीडिया। ओके, चलिए मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो वीडियो एडिटिंग, ठीक है, मोशन पिक्चर में बदलाव करने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारंभ किया था तो जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था तो 1990 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए GUI में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं GUI, ठीक है, याद रखना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, याद रखना है, आइकन होता है इसमें। ओके, छोटे छोटे आइकन का प्रयोग किया जाता है ना, याद रखना है। देखिये विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है तो रिसाइकल बिन में चली जाती है दोस्तों, याद रखना है, रिसाइकल बिन में। ओके, देखिए विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है तो क्लिपबोर्ड में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है
टूल बार में। ओके, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है, तो फाइल मेन्यू चुना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उपयोगकर्ता जो फाइल को नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइल नेम, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है, तो फाइल मेनू पर नया जो है, ठीक है, बनता है न्यू से। ओके, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू में क्या कमांड होता है, न्यू, कंट्रोल प्लस एन। ओके, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम होता है .doc, ठीक है। चलिए देखिए, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो वर्ल्ड पैड ये प्रोग्राम नहीं है, बाकी तीनों जो है एमएस ऑफिस के साथ होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस, है ना, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस, ठीक है, तीनों होता है एमएस ऑफिस के साथ। वर्ल्ड पैड दोस्तों ये एसेसरीज में होता है, इनबिल्ट रहता है विंडो के साथ, ठीक है। एमएस वर्ल्ड प्रोग्राम कौन सा डाटा संशोधन के लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट, ठीक है, याद रखिएगा। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है, तो होम बटन है, होम से दबाते हैं ना पंक्ति के आरंभ में, और पंक्ति के अंत में जाने के लिए एंड बटन, ठीक है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो हमेशा किस में होता है दोस्तों, लेफ्ट में ही होता है, याद रखना है। देखिए, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट विजार्ड का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है, प्रबंधक है, तो निजी, आउटलुक, ठीक है, याद रखना आउटलुक। एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर त्रुटि को दर्शाता है, तो स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है, ऐसा लाल लाल लग रहा है, तो कुछ भी लिखे रहते हैं इंग्लिश में, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, स्पेलिंग अच्छा है ना, स्पेलिंग जो है गलत रहता है, इधर रहता है, तो ऐसा लाल 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 दिखाता है, ठीक है। नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, वही बताए, ठीक है। चलिए देखिये, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल प्लस ई, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, है ना, सेंटर में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, और कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस ए, है ना, सभी जितने भी हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कौन से मेनू पर उपलब्ध होते हैं, तो कौन से मेनू पर जो है फाइंड एंड रिप्लेस होता है, तो एडिट मेनू पर, ठीक है, याद रखना है, एडिट मेनू पर। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है, तो विंडो कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है कहलाती है मेनू, ठीक है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो माय डॉक्यूमेंट में रख सकते हो, ठीक है। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, याद रखना है, है ना, रो और कॉलम, ऐसा ऐसा ये कॉलम है, ठीक है, और ये आपका रो है, तो ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका सेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए देखिए, एक्सेल में दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक सेल को एक, है ना, सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, मर्ज कहलाती है, याद रखिएगा, मर्ज सेल्स। ओके, चलिए, मतलब एक सेल, दो तीन सेल को एक साथ मिला दिए जाते हैं, तो कैसे मिलाएंगे, तो मर्ज सेल करके मिलाएंगे, है ना, कभी चलाए होंगे तो आपको पता होगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह, वर्कशीट का, ठीक है। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, है ना, डाटाबेस, एमएस एक्सेस हो गया, है ना, ओरेकल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, डीबीएमएस में पढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए, एक्सेल प्रोग्राम में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो शीट टैब का, किसका प्रयोग करते हैं, शीट टैब का, ठीक है। चलिए देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, है ना, स्किनर, याद रखिएगा। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था होती है कब से कब तक, 12 वर्ष तक का जो समय है वो क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। ओके, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो वही है दोस्तों, किशोरावस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है, किशोरावस्था, उसके बाद सब शून्य हो जाता है। चलिए देखिएगा, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि, है ना, बुद्धि लब्धि
बुद्धि जो लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो क्या होगी 120। ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है तो है ना वंशानुक्रम है दोनों, है ना परिवार का वातावरण दोनों, ठीक है परिवार की सामाजिक स्थिति तीनों, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो मानसिक विकास के लिए है ना तीनों चारों जो तीनों जो कारक है वो है ना ये ठीक है प्रभावित करता है। देखिए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन भी ध्यान देना चाहिए, तो फ्रायड ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, तो रूसो ने। ठीक है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को है ना सीखने के लिए सक्षम बनाती है, तो संवाद जो है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। ओके, देखिए एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य खाली स्थान की भावना को है ना बढ़ावा देता है, तो सहयोग। ठीक है, याद रखना है सहयोग। ओके, देखिए किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है, तो असुरक्षा। ठीक है, चलिए देखिए किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, तो मैस्लो। ठीक है, याद रखना मैस्लो। देखिए शैशव काल की अवधि है, तो शैशव काल की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय है वो शैशव काल की अवधि के अंतर्गत आता है। ओके, देखिए शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, तो ये सभी जो है पाई जाती है। देखिए अधिगम है ना, अधिगम को परिवर्तित करते हैं, तो आयु बुद्धि चिंता, उपरोक्त सभी है। देखिए सामूहिकता के मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, तो बाल्य अवस्था में विकसित होती है। ओके, उत्तर बाल्य अवस्था को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ठीक है तो देख लीजिएगा गैम आयु। ठीक है, याद रखना है गैम आयु। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, तो किशोरा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, तो किशोरावस्था में बनते हैं। जन्म के समय में बालक के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है, तो 350 ग्राम। ठीक है, बाल विकास का उद्देश्य है, तो सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलिए देखिए करने सीखने पर कौन सी विधि काम आती है, तो प्रयोगशाला विधि काम आती है। ठीक है, याद रखना है प्रयोगशाला विधि। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, तो किशोरावस्था। ठीक है, याद रखना है डिसलेक्सिया संबंधित है, तो पढ़ने संबंधी विकार से। ठीक है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है, तो 0 से 5 वर्ष के बीच। ठीक है, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, तो सबसे पहले मां को पहचानता है। ठीक है, चलिए बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो वही है जो कुछ भी होता है सब किशोरावस्था में ही होता है। ठीक है, संवेदिक पेशी अवस्था जन्म से खाली स्थान वर्ष तक होती है, दो वर्ष। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, तो याद रखना 7 से 12 वर्ष। ठीक है, चलिए पियाजे ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं बताई है। ओके, बालक में चिंतन का जो है प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो 2 से 7 वर्ष में चिंतन का प्रारंभ हो जाता है अपने स्तर पर। ठीक है, देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, पियाजे को। ठीक है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खाली स्थान के माध्यम से सीखता है, तो खेल के माध्यम से, यही है खेल। ओके, देखें बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो सामान्य बुद्धि। डिसग्राफिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है, लिखने से। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु सम प्रत्यय अल्फ्रेड बिने ने कब प्रतिपादन किया, तो 1905 में। ठीक है, चलिए अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को किन कौन कौन भागों में बांटा है, तो उपरोक्त सभी है, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि। ओके, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके है ना खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो, तो व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है, चलिए
अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव खालिस्तान रखना चाहिए, स्नेह और सहानुभूति पूर्ण। ओके, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो 6 वर्ष। ठीक है, बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में अपने माता को पहचानने लगता है। ओके, चलिए देखिएगा। देखिए, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्ण किशोरावस्था को कहा जाता है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह जो स्वयं बालक जैसा हो, या कथन है तो मेनकेन का। ओके, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, माइक्रो टीचिंग है ना, तो माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षक, तो DWLN। ओके, चलिए देखिएगा। वाइगोत्स्की के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो ERB, सामाजिक सिद्धांत और सांस्कृतिक सिद्धांत। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो याद रखना, निगमन विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन पर। देखिए, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिभाशाली। ठीक है, देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है तो परिवार और पड़ोस, ERB दोनों। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं। ओके, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं तो वाटसन। तो ये है दोस्तों, है ना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और यहाँ पर मैं पवन वर्मा जी का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका नंबर यहाँ दे दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल दे दिया हूँ, सब कुछ दे दिया हूँ, है ना, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF आप उनसे कॉन्टेक्ट करके नंबर दे दिया हूँ, PDF आप उनसे मांग, है ना, मांग सकते हो कॉल करके या व्हाट्सअप करके। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।